तेनी शक्ति हमें देना दाता। फ्रेंड्स कितनी प्यारी लाइन है, उस प्यारी सी प्रयोग से ली हुई ये प्यारी लाइन्स। और ये सच है कि वो ऊपर वाला ही वो पावर हाउस है और हम उनसे शक्ति लेते हैं, पावर लेते हैं किसी भी काम को करने की, किसी भी चीज़ को करने की हम पावर शक्ति उन ऊपर वाले से लेते हैं। और अगर इस दुनिया में कोई सबसे काइंड हार्टेड सॉफ्ट हार्टेड है ना, तो वो सिर्फ परमात्मा है, वो ऊपर वाले गॉड हैं। वो हमारे हर सुख दुख में हमारा साथ देते हैं। और याद रखना, अगर हमारी कोई हेल्प करे ना करे, बट अगर हम उन ऊपर वाले पर सच्चे दिल से उन्हें याद करें, उन पर विश्वास रखें ना, तो वो हमारी हर सुख दुख में हमारी मदद करेंगे। इस पर एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बार अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा और कहा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है, मैं या फिर भगवान। तो बीरबल ने बोला कि आप महाराज। तो अकबर ने बोला कि तुम अपनी बुद्धिमानी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हो, पर तुम इतने चापलूस कैसे हो सकते हो। तो अकबर ने बोला कि तुम अपने राजा को भगवान से बड़ा बताते हो। तो बीरबल ने बोला, महाराज जब आपके राज्य में कोई गलती करता है तो आप उसे कड़ी से कड़ी सजा देते हो और उसे राज्य से निकाल देते हो, पर वो भगवान कोई भी गलती करे तो वो भगवान अगर कोई उनसे दिल से माफ़ी मांगे तो भगवान उन्हें माफ़ कर देते हैं। तो तब अकबर को समझ आया कि अगर वो भगवान पूरी दुनिया को संभालता है तो और उन्हें माफ़ भी कर देता है अगर कोई गलती करे तो मैं इतना स्ट्रिक्ट, इतना सख्त कैसे हो सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, गॉड हमसे क्या चाहते हैं? गॉड हमसे चाहते हैं कि हम कुछ टाइम उनके साथ स्पेंड करें, उनसे कुछ अच्छी अच्छी बातें करें, अपनी इवन दिल की फीलिंग्स उनके साथ शेयर करें। और मैं अगर अपने बारे में बताऊँ ना, तो मेरी सुबह की, मैं अपनी सुबह की शुरुआत गॉड से गुड मॉर्निंग से करती हूँ और रात को गॉड को गुड नाइट करना कभी नहीं भूलती। और मैं जो भी काम करूँ उसमें गॉड को ज़रूर अपने साथ रखती हूँ, क्योंकि गॉड मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। और मामा मुझे हमेशा कहती हैं कि जहाँ कभी को आपको कोई हेल्प हो, और मामा पापा भी जहाँ पे आपकी हेल्प के लिए जल्दी नहीं पहुँच पाए ना, तो सिर्फ गॉड ही है जो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो मैं अब गॉड को हमेशा अपने साथ रखती हूँ और वो एक प्रोटेक्शन लेयर की तरह हैं। और मुझे अच्छे से याद है कि व्हेन आई वाज इन फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, तो मैंने गॉड इज़ माय बेस्ट फ्रेंड पर एक पोएम बोली थी और उसमें मैं क्लास, इवन इंटर क्लास में भी मेरे को फर्स्ट प्राइज मिला था, क्योंकि वो मेरी दिल की फीलिंग्स थी, मेरी एक पोएम ही नहीं बल्कि वो मेरी दिल की फीलिंग्स थी। और उसकी कुछ दो लाइन्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई गॉट अ फ्रेंड हु इज़ पावरफुल अबव ऑल, hears me every time when I ask and call, offering his hand when he see me down. So friends, मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि गॉड को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, वो आप और कोई भी सिचुएशन आए तो गॉड को जल्दी से बुला लो, वो आपकी हेल्प के लिए ज़रूर आएंगे। और कभी कभार ऐसा होता है कि हम गॉड से कंटिन्यूसली कुछ मांगते हैं और हमारी वो विश, हमारी वो डिमांड पूरी नहीं हो पाती है, तो हम कहते हैं कि गॉड तो है ही नहीं। तो एक छोटे से किस्से से आपको समझाऊंगी कि एक बार एक बच्चा अपनी माँ से कहता है कि हम मुझे वो चाकू दे दो, पर माँ जानती है कि उससे उसका नुकसान होगा, बहुत लॉस होगा, इसलिए माँ से चाकू नहीं देती। बच्चा माँ को गंदा बोलता है, कुछ भी बोलता है, बट माँ उसे वो चाकू नहीं देती, क्योंकि माँ को पता है कि वो चीज़ उसको हार्म करेगी। तो वैसे ही भगवान को भी पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, तो भगवान भी हमें वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो अपनी लाइफ को खुल के जियो और अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल उस ऊपर वाले के हाथ दे दो। अपनी लाइफ को खुल के जिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिकॉज लाइफ इज सो ब्यूटिफुल।